जयपुर में समाज कल्याण बोर्ड और द लर्निंग पार्क सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि आदर्श नगर स्थित सिंधी स्कूल में आयोजित कार्यशाला में बेरोजगार युवाओं को रोजगार में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश और फ्रेंच निःशुल्क सिखाई जाएगी। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने शिरकत की और इस कार्यशाला में 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की अनूठी पहल है कि जिसमें युवाओं को रोजगार में प्रोत्साहन मिलेगा। तेलुगु, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं को सीखने से युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी। आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें बस इस बिहाफ पे कि आपको भाषा आती है, आपकी सैलरीज इंक्रीज होती जाएंगी और अच्छा जाएगा। आपको दुनिया की कितनी और से इंस्पिरेशन लेकर जो लर्निंग पार्क सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया है। आज इन्होंने एक सरकारी स्कूल में बच्चों की कार्यशाला आयोजित की जिससे बच्चों को फ्रेंच और इंग्लिश के बारे में ज्ञान देने का मिशन और देने का एक मानस बनाया। मैंने भी इसे शिरकत करके इनको एक तरह से प्रोत्साहित करने का काम किया। मैं समझती हूँ कि ऐसा इनिशिएटिव यदि युवा लेते हैं तो जो सरकार की एक मंशा है महात्मा गांधी मॉडल स्कूल्स के माध्यम से।